Ready, Angie? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं काबीना के फैसलों के बारे में, जो कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सदारत में, मैं चाहूँगा कि एक अहम तरीन इशू जो कि हमारे मुल्क को दरपेश है इस वक्त, और उससे पहले कि मैं उसकी तफसील में जाऊँ, मैं मीडिया का ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ हुकूमत की तरफ से, जो कि इस इशू को उठा रहे हैं। और वो है कि जो इस वक्त आलमी सतह पर और पाकिस्तान की सतह पर जिस कोरोना वायरस का हमें जो दूसरी लहर दरपेश है, वो बहुत अहम है, इसलिए कि हमने पहली लहर को कामयाबी से तय किया, एक बड़ी मुनज़म सी स्ट्रेटजी हुकूमत ने वज़ा की, जिसमें कि रोज़गार और से और जानों का दोनों को दोनों की वो की एक ऐसी हिकमत अमली बनाई जिससे कि दोनों का सेफ गार्ड हो सके, महफूज रहें, रोज़गार भी और इंसानी जानें भी। अब जो ये दूसरी लहर है, जाहिर है कि ये पहली वाली से ज़्यादा शिद्दत पर है, और इसके लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ इकदामात किए हैं, जिसमें स्कूल, रेस्टोरेंट्स, शादियाँ, शादी हॉल्स, इस पर मुख्तलिफ किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। हमारा इदारा NCOC, जिसने कि पहले मरहले में भी बहुत ही इफ़ेक्टिवली और बड़े साइंसी खतूत पर अपनी रिकमेंडेशंस, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और फिर मुतल्लिका हिदायत वो वज़ा की, जिसको कि हुकूमत ने इम्प्लीमेंट किया। इस वक्त हमारी जो बदकिस्मती से जो हलाकतों की तादाद है, वो उसी सतह पर है जो कि जून पिछले साल इसी साल पहली लहर में जो वो थी, वो है 79 अमवात हुई एक दिन में, 89। अब ऐसी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वही बढ़ता जा रहा है, और अस्पतालों पे भी लोड पड़ रहा है, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन बेड्स, इसमें भी काफ़ी इस पर भी जोर आ रहा है। ये एक ऐसी सूरत हाल है कि अगर हमने इसमें डिसिप्लिन ना जाहिर किया, तो इससे हुकूमत को मजबूर होना पड़ेगा इसको मज़ीद सख्त करने में, जो कि हमारी मईशत के लिए भी बुरा होगा और हमारे जो रोज़गार है उसके लिए भी बहुत उस पर बुरे असर पड़ेंगे। ये असरात, इनको ज़ाहिल करने के लिए जो हिकमत अमली तरतीब दी गई है, जिसमें कि स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे, शादियों, रेस्टोरेंट्स, इन सब पे एक रिस्ट्रिक्टेड किस्म की पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इसका फैलाव, जिसका सोशल डिस्टेंस, जिसकी कि एक तरकीब है उसको ज़ाहिल करने की, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक मैनेजेबल हद तक ला सकते हैं इसको। और चूंकि आगे 2 महीने ख़ास तौर पे सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों के मौसम में इसमें शिकार होने का ज़रा ज़्यादा अंदेशा है। अब ऐसी सूरत हाल में जो हमारी ऑक्सीजन की टैंक्स की जो इन्वेंट्री है, वो इस वक्त तक तो ठीक है, क्योंकि एक मरीज़ तकरीबन 3 सिलेंडर इस्तेमाल करता है। और आज ये भी किया गया, ये पेशावर वाक़े के बाद, कि अब हर सूबे को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो एक अपना एक ज़खीरा अपने ही
कैपिटल हेडक्वार्टर में रखेगा, जिससे कि अगर किसी जगह पे कोई इमरजेंसी हो, शॉर्टेज हो, तो वो उसको इमीडिएटली सप्लाई करेगा। 200 टन की नई फैक्ट्रीज जो फैक्ट्री है उसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सारे इकदाम एक हद तक इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एक इज्तिमाई गैर जिम्मेदारी का सबूत हो तो उसमें फिर जाहिर है कि देखे 22 करोड़ की आवाम है, और खुदा ना खास्ता अगर 1% भी हो तो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। हमने अमेरिका, यूरोप, हर जगह पे यही देखा कि लोग आम तौर पे इसकी इस लहर में, दूसरी लहर में उसकी वो जो SOPs हैं उसको इतना फॉलो नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो आवाम से ये दरख्वास्त है बड़ी संजीदा तरीके से कि इसको लाइट ना लें, और जितनी भी हिफाजती तदाबीर हैं और उसमें जो बेसिक है वो मास्क का पहनना, वो बहुत ही ज़रूरी है। अब ऐसी सूरत हाल में एक ऐसी ऑपोजिशन, एक ऐसा नाटक रचाने जा रही है जिस गैर जिम्मेदारी का सबूत ऑपोजिशन दे रही है, जिस बेहिसी का सबूत ऑपोजिशन दे रही है, ये न मुल्क के मफाद में है न अवाम के मफाद में है। वो लोग जो कि जिनका कि कोई एजेंडा नहीं है, अवाम के लिए कुछ भी नहीं है, और ये वही लोग हैं जो कि 11 साल से, पिछले 11 साल से मुसलसल हुक्मरानी कर रहे थे, और आज जबकि नताइज उनकी मर्जी के नहीं हुए, जब इलेक्शन वो हार गए, तो एक बड़े ही गैर मंतकी तौर पर 2 साल तक खामोश रहे, और अब उनको ख्याल आया कि जी इलेक्शन में धांधली हुई थी। जबकि सब जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं उन्होंने ये साबित किया है कि जो इस 2018 के इलेक्शंस थे वो 2013 से बहुत बेहतर थे, और उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये हुआ कि देखें जी जो इलेक्शंस हैं और उनके नताइज, वो किसी की मर्जी या मंशा के मुताबिक नहीं हो सकते। जिस तरह के जजेस के जो फैसले आपके फेवर में हो वो ठीक है, और जो आपके खिलाफ हो वो ठीक नहीं है। ऑपोजिशन चीज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक देखना चाहती है, वो देखना ये चाहती है कि अगर फजलुर रहमान इलेक्शन हार जाए तो वो इलेक्शन धांधली ज़्यादा था, और उनका बेटा इलेक्शन जीत जाए तो वो इलेक्शन ठीक था। शायद खाकान अब्बासी अपनी आबाई सीट हार जाए और जाके कहीं और से इलेक्शन लड़े, वो जीत जाए तो वो ठीक था, और जो हार गए तो वो धांधली थी। इसी तरह सिंध हुकूमत, जहाँ पे कि उनकी हुकूमत है, तो वो इलेक्शन ठीक थे, बाकी इलेक्शन ठीक नहीं थे। इस तरह का एक गैर जिम्मेदाराना, गैर संजीदा, इमेच्योर, नाबालगी का सबूत जो कि ऑपोजिशन दे रही है, उससे एक बात जाहिर होती है। आप तकरीरें इनकी सुन लें, इनके डिमांड सुन लें, तकरीरों में ये कहते हैं कि इस हुकूमत को घर भेजना है। ऑपोजिशन वो होती है जो कि जबूरियत के जितने भी तकाजे हैं उसको पूरा करते हुए वो अपनी हिकमत अमली बनाती है। अब आप बताएं कि ऑपोजिशन वाले होते कौन हैं जो कि कहें कि जी इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, इसलिए कि जो आपके लूट मार का दौर था वो ख़त्म हुआ, इसलिए कि आप ने जिस तरह इस मुल्क के इदारों को मफलूज किया, जिस तरह के आपने अपनी मनमानी से लोग अपने इदारों के सरफरा लगाए, एक ऐसे माहौल को, एक ऐसे कल्चर को फरोग दिया जिसमें कि लोगों की इज्जत पैसे की बुनियाद पर होती थी, एक ऐसा कल्चर फरोग दिया जिसमें कि आपने कब्जा ग्रुप, कब्जा माफिया को फरोग दिया। आज भी जो आपके जलसे जिधर हो रहे हैं आप सब जानते हैं कि वो लोग कौन हैं। ये नहीं चाहते कि वो
एक ऐसा पाकिस्तान एक ऐसे दौर में दाखिल हो जिसमें के इदारों का तकद्दस हो, इदारे अपने पांव पे खड़े हों और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जिसमें के हर आदमी कंपीट कर सके। आपने देखा होगा कि इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से, इन्हीं अपोजिशन पार्टीज़ की जो दौरान हुकूमत इनकी जो हुकूमत में ये रहे, इन्होंने अकरवा परवरी, सफारिश, रिश्वत की बुनियाद पर नौकरियां दी, जिसकी वजह से जो लाइट लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, जिनके पास ये चीज़ें नहीं थी, उन्होंने मुल्क को छोड़ दिया। एक मैसिव किस्म का, एक बड़ी सतह का ब्रेन ड्रेन हुआ, यानी वो लोग जो कि इस मुल्क की खिदमत कर सकते थे, लायक लोग थे, अहल लोग थे, वो जाके अपनी खिदमत दूसरे मुल्कों में दे रहे हैं। और जब आप ढूंढने जाएं यहाँ पे मुल्क में, तो आपको कई इदारों के लिए लोग मिलते नहीं हैं जो कि अहल हों उसके, जो कि वो काम कर सकें। गर्ज उन्होंने हर वो चीज़ की है जो कि जो इस मुल्क को पीछे ले जा सके। और ये वाहिद सिचुएशन है जिसमें कि इनके कारोबारों को फरोग मिला और मुल्क जो है वो गरीब से गरीब तर होता गया। जिस हालत में इन्होंने इकॉनमी छोड़ी, जिस सतही अंदाज में ये चीज़ें करते थे, जो अच्छी चीज़ें होती थी, मस्नूई चीज़ें होती थी, वो दिखावे के लिए थी, और जो मुश्किल चीज़ें थे, मुश्किल फैसले थे, वो कालीन के नीचे रख देते थे। नतीजतन जब हमारी हुकूमत आई तो हमने ये तल्ख फैसले किए, इसकी हमें एक सियासी कीमत भी उठाना पड़ रही है। लेकिन हम इस मुल्क को, हम इस वक्त हुकूमत को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो भी इकदाम हैं वो इसी पे लगे हैं कि एक तो ये है कि वो छुटकारा उस चुंगल से आज़ाद कराया जाए इस मुल्क के में, जो कि स्टेटस को या जो एक ये एक हुक्मरान तबके ने बनाया हुआ था अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए, अपने कारोबार को दवाम देने के लिए, उनसे पाकिस्तान के अवाम को इन को छुटकारा दिलाया जाए इन लोगों से। तो ये जो इन पे जो केसेस बने हुए हैं एक दूसरे पे उन्होंने बनाए, एक दूसरे के खिलाफ ये काम करते रहे, एक दूसरे के पीठ में ये छुरा घूमते रहे, आज जो है तो वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो अदालत से भागा हुआ एक मुजरिम है, उनकी साहबजादी जो है तो वो हमें लेक्चर दे रही हैं, धमकियां दे रही हैं। वो पीपल्स पार्टी वाले अच्छे खासे एक कम से कम एक सियासी सोच तो रखते थे, वो जो कायरा साहब हैं उनके, वो कहते हैं कि झंडे भी और डंडे भी। वो कहते हैं कि जी मरियम नवाज कहती हैं या मरियम सफदर कहती हैं कि जी आपके वो लोग जो कि आपको छोड़ेंगे उनके घरों का घेराव करेंगे, जो इस्तीफे नहीं देंगे उनके घरों का घेराव करेंगे। ये कोई तहजीब है, ये कोई कल्चर है, ये कोई तरीक़ाकार है, ये कोई जमहूरी तरीक़ाकार है? जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं मुल्क में जो हमारे फेवर में नहीं भी हैं, वो ये बताएं कि इस किस्म का बयानिया जो वो ले कर चल रहे हैं जिसमें कि आप तशद्दुद पे मौलाना हैं, क्या किए उन्होंने पूरे अपने पूरी सियासत में, उन्होंने इस्लाम की क्या खिदमत की? कश्मीर कमेटी के वो पता नहीं 30 साल या कितने वो बने रहे, क्या कश्मीर कॉज को क्या किस तरह से उन्होंने उठाया? कश्मीर के मसले को तो हमने जिस सतह पे उठाया है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस आलमी सतह पे उसकी एक बड़ी मुदल्लल और बड़ी इफेक्टिव किस्म की एक पॉलिसी इख्तियार की, वो हमें कभी भी नजर नहीं आई। आज कश्मीर का इशू दोबारा जिंदा हो गया है, आज इस्लामोफोबिया दोबारा उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने उठाया और जिस मुदल्लल तरीके से उठाया, जो इस्लामी वो थी OIC, उसमें 57 मुल्क पहली दफा के जी इस्लामोफोबिया और कश्मीर के मसले पे जो रेजोल्यूशन था वो इंडोर्स किया। इंडिया को नहीं बुलाया गया, पिछली दफा बुलाया गया था, इस दफा हमारी कोशिशों से इंडिया को नहीं बुलाया गया। फिर इसी तरह यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली में हमने वो करारदाद मंजूर कराई जो कि बुनियादी तौर पे हमें फिलिपीन ने उसका उसको सेकंड किया। वो करारदाद जो कि अहम तरीन है हमारे, उसमें कि जिस तरह से हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनकी ज़ात में जो गुस्ताखियाँ होती थीं उस सिलसिले में वहाँ पर एक मेजॉरिटी से इंडोर्स कराया एक रेजोल्यूशन जिसमें के दो नुकात किए। एक था कि जो हुजूर सल ये जो इस्लामी या कोई भी मजहबी शख्सियात है उनका एहतराम के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया जाए कि किसी भी मजहब की चाहे कोई हो उसकी शान में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। हमारा अपना कुरान शरीफ भी यही कहता था, वो कहते थे कि आप उनके खुदाओं को गालियां मत दो कि वो आपके खुदाओं को गालियां न दें। ये सूरत हाल और उसके बाद दूसरी यही थी जो उधर एग्री हुआ कि एक ऐसा तरीक़ाकार वज़ा होगा जिसमें के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी भी एक डेफिनेशन हो जिसमें ये ना हो कि जी आपके आप जो करना चाहें वो करें, उसमें भी जो जिम्मेदारियां हैं उसका भी तय किया जाए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी हुकूमत की, हमारी सफारती हमारी सफारतकारी की, जिसमें कि हम इन चीज़ों को इधर आगे तक लेके गए हैं। और इसी तरह जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो भी सपोर्ट होगा उधर। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ हम इस मुल्क को जो भी उसके इंटरनेशनल मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, इकॉनमी बड़ी मुश्किलों से अपने कदमों पे खड़ी हुई है, महंगाई कम हुई है, चीनी की कीमत कम हुई है, आटे की कीमत भी कम हो रही है और भी कम होती है अगर सिंध वाले अगर अपनी गन्नों की रिलीज करते, हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनमें बहुत बेहतरी आई है, जून से कर्जा बढ़ाने हमने जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बढ़ी है, सीमेंट सेल, सरिया सेल, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ, ये भी बात आज हुई कि जिसमें कि ये जो वो ऑन लेते हैं जो गाड़ियों में उस पर भी एक हम एक वो कर रहे हैं, अपना इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हमाद अजहर साहब को प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन दी कि इसको कंट्रोल में रखें क्योंकि सडनली जो डिमांड आई है वो पोस्ट कोविड की वजह से नीचे चली गई थी, फिर उसमें ऐसी बढ़ी है कि जो आम हालात से भी ज़्यादा वो बढ़ी है गाड़ियों की सेल। तो इस किस्म की मुख्तलिफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क की कि जिसमें रोज़गार के मौके पैदा हों। दो नए शहर हम बसाने जा रहे हैं, दो नए डैम बना रहे हैं हम, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि जिस तरह के कोरोना के तनाजुर में अगर आप देखें और मुल्क उनके वो उनकी इकॉनमीज तबाह बर्बाद हो गई हैं, चाहे वो इंडिया हो या और यूरोप अमेरिका हो, अल्लाह ताला का फजल है कि हम फिर भी हमारी बावजूद इसके कि जो एक इंटरनेशनल कोरोना की वजह से एक इंटरनेशनल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई थी उसके बावजूद ईरान के साथ इशूज़ कोरोना की वजह से, फिर इंडिया के साथ हमारे तालुकात तो जो सब्जियाँ और इस किस्म की चीज़ें जो आनी होती थी, अफगानिस्तान के साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विज़िट हुई उसमें बहुत वो हुई, चीज़ें बहुत आगे बढ़ी। कल अफगान प्रेसिडेंट ने पहली दफ़ा पूरा एक से दो मिनट पाकिस्तान के किरदार को सराहा, प्राइम मिनिस्टर साहब की विज़िट में जो जो चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं या होनी हैं उस पर बात हुई। तो देखिए ना, मतलब है कि हम एक ऐसी सूरत हाल में दाखिली तौर पे और बैरूनी तौर पे हम उन मसलों को बड़ी कामयाबी के साथ हल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये एक गैर जिम्मेदार अपोजिशन, एक ऐसी अपोजिशन जिसने कि इस मुल्क को सिर्फ नुकसान ही नुकसान पहुंचाया हुआ है, और एक अनइलेक्टेड लोग वो हमें ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफे दें, एक जमहूरी हुकूमत उसको हटाने के लिए वो हर वो गैर जमहूरी तरीका इख्तियार करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, वही जिनको कि ये गालियां दे रहे हैं उन्हीं इदारों को, उनके साथ साथ में वो कह रहे हैं कि जी आप हमें उन्हीं के साथ बात होगी। अभी मैं सरसरी देख रहा था खाकान अब्बासी जो अपने अबाई इलेक्शन हार गए, जो शख्स आपको याद होगा वली खान, इसलिए मेरी रिस्पेक्ट है वली खान के लिए कि जब वो चारसदा में इलेक्शन हारा उसने कहा कि मैं सियासत ही छोड़ देता हूं, और उसने ये नहीं किया कि वो आके पिशावर या कहीं और से इलेक्शन लड़ता। ये वो लोग हैं जो सियासी पनागुजीन हैं, नोमैड्स, जिनका मकसद सिर्फ इक्तदार में आना है और इक्तदार बराए कारोबार के लिए आना है।
उनका मकसद मुल्क की खिदमत नहीं है। इन्होंने जो भी ये जो बताते हैं कि हमने सड़कें बनाई, पुल बनाए, LNG, ये सारे इनमें इनके खांचे थे। इन्होंने मुल्क की मोहब्बत में वो नहीं किया, इन्होंने अपनी जेबों के लिए, अपने खानदानों को। कैसे एक खातून जिसका बाप भागा हुआ है, एक सीरियस केस में बेनिफिशियल ओनर है एवनफील्ड अपार्टमेंट की, वो बजाय जवाबात देने के अदालत को कि ये पैसे आपने कैसे, झूठ पे झूठ। यही थी ना वो जिसने कहा था कि पाकिस्तान तो क्या मेरी, लंदन तो क्या मेरी, तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। यही नवाज शरीफ थे जो कि पार्लियामेंट हाउस में कहते थे कि जी ये हैं वो जराए और ये हैं वो, फिर बाहर निकल के कहते हैं वो तो एक सियासी बयान था। तो इनका जो किरदार है और उनके जो समधी हैं, उनके जो बेटे हैं, ये बेटे जो उनके हैं, ये आपके पाकिस्तानी अवाम के बेटों से क्या चीज है कि वो उससे बेहतर है? जस्ट बिकॉज उनके बेटे हैं और वजीर आजम रहा, उसने करप्शन की और अपनी औलाद के लिए उसने उधर सामान बाहर पैदा कर दिया। इसी तरह इसहाक डार, जिसका इंटरव्यू आप देख रहे होंगे और आपने देखा होगा, ये वो लोग हैं जो कि नुमाइंदगी करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कि इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और इसकी हिफाजत अल्लाह करेगा, और उसने इन लोगों से हमें निजात दिलाई। ये लोग अब दोबारा चाहते हैं कि हम उसी दौर में ले आएं पाकिस्तान को जिसको कि पाकिस्तान के अवाम 2018 में रिजेक्ट कर चुके हैं। इनकी ये लोगों को खतरे में डालना, लोगों की जानों में खतरे में डालना, जलसे जुलूस करते वो होता है, जलसे जुलूसों से कोई हुकूमत गई नहीं है, और अगर गई भी है तो उसमें फिर वो जो कर रहे थे उनको कुछ भी नहीं मिलता। ये जो रैलियां कर रहे हैं, ये जो जलसे कर रहे हैं, ये और कुछ भी नहीं है, ये अपने लिए एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें कि ये समझते हैं कि हुकूमत पे ऐसा प्रेशर आए कि वो कोई हमें छूट दे दे, जिसे NRO कहते हैं, NRO दे दे। हम तहिया किए हुए हैं, हमारे पास एक इखलाकी कुव्वत है, हमारा लीडर करप्ट नहीं है और न करप्शन करता है और न करप्शन करने देता है, और इनको भी वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जो ऑलरेडी मुल्क के साथ कर दिया है उसमें हमें अगले 10-15 साल लगेंगे उसको हमें नॉर्मल करने में। तो इसलिए जहां तक के मेरे लाहौर के अवाम से भी ये रिक्वेस्ट है, पाकिस्तानी अवाम से भी ये रिक्वेस्ट है कि सियासत होती रहेगी, जलसे जुलूस होते रहेंगे, इस वक्त ना अपने लिए मसाइल ढूंढें, बिकॉज ये वो लोग हैं जो कि जलसे करके चले जाएंगे अपनी शादी के लिए। तो ये जब इनविटेशन कार्ड देते हैं तो उसमें लिखते हैं कि अरे कोरोना टेस्ट करके आएगा, क्योंकि ये समझते हैं कि ये एक सुपीरियर लोग हैं, इनकी जानें ज़्यादा अहम हैं। लेकिन वो लोग जिनसे कि जलसा गाह को भरना चाहते हैं, उनके तो ये जलसा ख़त्म होगा तो उनको तो ये टेस्ट कराने के पैसे भी नहीं होंगे। खुदा ना खास्ता बीमार हो गए तो उनके ख़ानदानों का क्या होगा, अगर कोई इससे वफात पा गया तो उनकी फैमिलीज का क्या होगा? ये अपने एजेंडे को तकमील करने के लिए लोगों को बतौरे वो इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जरिया इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तानी अवाम से और ख़ास तौर पे लाहौर के लोगों से कि इन फरेब में ना आए, ये हर रोज़ झूठ बोलते हैं, इनकी सियासत की बुनियाद झूठ है और इनका पैसा इनका ईमान है। इन लोगों से ये नौसरबाज हैं, इनसे आप दूर रहें, और उसके बाद जब ये कोरोना इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए उसके बाद जो करते हैं करें, इस्तीफे देते हैं इस्तीफे दें, जो भी करते हैं करें, चाहे वो अभी हो या कल हो या 6 महीने बाद हो या साल बाद हो। एक जम्हूरी मुल्क है, जम्हूरी हुकूमत आई हुई है, और उसको आप जम्हूरी तरीके से ही हटा सकते हैं, और वो इंतज़ार करें अगले 3 से 8 साल का। अब मैं ये जो जहाँ तक के उसकी जो कैबिनेट की जो प्रोसीडिंग है उसका वो मैं आपको तकसीम कर दूंगा, और आपने अगर कोई सवाल पूछने हैं उसका एक सेकेंड मैं जी चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे 2-3 मिनट, कि हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब कल
सियालकोट जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल वज़ीर आज़म इमरान खान इंतहाई अहम दौरा करेंगे सियालकोट का, और वज़ीर आज़म की वहाँ तीन अहम मसरूफियात होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी। एक, सियालकोट के जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो अपनी एयरलाइन का आगाज़ करने जा रही है। सियाल एयर का प्राइम मिनिस्टर इफ्तिताह करेंगे। बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, ये मुआशी एक्टिविटी है। 4 अरब रुपये की इससे ज़ायद की लागत से इस एयरलाइन का आगाज़ किया जा रहा है मुल्क पाकिस्तान में। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर सियालकोट के शहरियों के लिए एक तारीखी पैकेज का ऐलान करेंगे, और उसमें जो 5 मंसूबे हैं सियालकोट के शहरियों के लिए, उसका बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा, जिसमें सबसे दरीना मसला था सियालकोट के शहरियों का पीने के साफ पानी का। उसके पहले फेज़ में सियालकोट के 4 लाख शहरियों को पीने का साफ पानी मैसर होगा अगले 2 सालों में। इसी तरह सीवरेज सिस्टम का, उसके लिए स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबे का आगाज़ किया जा रहा है, ताकि नकाबे आस का जो प्रॉब्लम है वहाँ उसका हल किया जा सके। 5 नए पार्क्स तमीर किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं सियालकोट में, क्लीन ग्रीन सियालकोट को मद्देनज़र रखते हुए प्रोजेक्ट को। इसी तरह ट्रैफिक की मसाइल को हल करने के लिए ट्रैफिक री इंजीनियरिंग का एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया, उसका आगाज़ होने जा रहा है वहाँ। और सियालकोट को अगले 30 सालों में विजन 2050 को मद्देनज़र रखते हुए पूरी सिटी की मास्टर प्लानिंग करके उसकी मनसूबाबंदी का जो मनसूबा है उसका आगाज़ करेंगे। ये तकरीबन 17 अरब रुपये के प्रोजेक्ट्स हैं जो कल इंशाल्लाह वज़ीर आज़म सियालकोट में जिनका आगाज़ करें। तीसरा, जैसा कि आप सब जानते हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम जो हमने पाकिस्तान के नौजवानों के लिए शुरू किया। मैं मीडिया को, कौम को और नौजवानों को बताना चाहता हूँ, आज तक 2 अरब से ज़ायद की रकम पाकिस्तान के नौजवानों में तकसीम हो चुकी है कामयाब जवान प्रोग्राम की वसादत से, और अगले इंशाल्लाह 6 माह में मज़ीद 15 अरब रुपये पाकिस्तान के नौजवानों में तकसीम किए जाएंगे कामयाब जवान की वसादत से। देखिए, मैं आज देख रहा था और सियालकोट से जो PMLN के रंगबाज हैं वो आज भी रंगबाजी कर रहे थे, जी रोक सकते हो तो रोक लो, हम इस्तीफे देंगे। मैं मीडिया की वसादत से ख्वाजा आसिफ को पैगाम देना चाहता हूँ, ख्वाजा आसिफ, अगर आप में थोड़ी सी भी अखलाकी जुरत है, थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी सी भी हया है, तो फिर अब आपने भागना नहीं है इस्तीफों से। मैं मुंतजर रहूंगा कि आप इस्तीफा दें, सियालकोट में इलेक्शन हो और पूरी कौम को पता चल जाए कि सियालकोट के लोग मेरे लीडर इमरान खान के साथ हैं या ख्वाजा आसिफ के लीडर इश्तहारी शरीफ के साथ हैं। देखिए, जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब कह रहे थे, पूरे मुल्क में मुआशी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के एयरलाइंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अरबों रुपये की, यहाँ नई एयरलाइंस चलने जा रही हैं, सीमेंट इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, सारा आपका प्राइवेट सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जा रहा है, टेक्सटाइल में लेबर नहीं मिल रही है। इसी तरह सियालकोट की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को आज लेबर नहीं मिल रही है, इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट ऊपर जा रही है। तो इन मुआशी बेहतरी की तरफ जाते हुए मुल्क को डी ट्रैक करने के लिए अपोजिशन ने ये जलसा शुरू कर दिया है। और जैसे आप सुन रहे थे, मरियम सफदर साहिबा कहती हैं इलेक्टेड लोगों के घरों का घिराव होगा, वो इस्तीफे नहीं दे रहे हैं। मैं मरियम सफदर से ये पूछता हूँ, पहले खुद एक काउंसलर का तो इलेक्शन लड़ लें। आज तक जिंदगी में मरियम सफदर ने काउंसलर तक का इलेक्शन नहीं लड़ा है, मैंने कहा दूर की बात है। और ऐसी खतून मुतालबा कर रही है इस्तीफों का, इलेक्टेड लोगों से जो लाखों वोट लेके अपने हल्कों से आए हैं। इसी तरह इनके वालिद अदालतों से सजा याफ्ता हैं, इश्तिहारी हैं, अदालत ने उन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर किया है। दोनों बाप बेटी मिलकर पाकिस्तान की मुईशत को तबाह करना चाहते हैं, अपनी करप्शन और चोरी बचाने के लिए लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना SOPs की बात की जा रही है और ये लोग जलसा खेल रहे हैं। मीडिया की आंख ने दिखाया किस तरह से कोरोना की पहली लहर में पाकिस्तानी अल्लाह को प्यारे हुए, किस तरह नंबर्स ऊपर जा रहे थे। इनके बयानात कौम भूली नहीं है। पहली लहर में कहते थे कोरोना से अगर कोई मरेगा तो वजीर आजम इमरान खान पे कत्ल का मुकदमा करेंगे। आज हम इनसे पूछते हैं कि जिस तरह ये जलसा खेल रहे हैं मुल्तान में, गुजरावाला में, लाहौर में, पिशावर में, वो लोग जो अल्लाह को प्यारे हुए हैं, किस पे मुकदमा किया जाए, किस पे कत्ल का मुकदमा होना चाहिए, हम PDM से पूछते हैं। आज चूंकि इनके मुकदमात जो करप्शन के मुकदमात हैं और कौम मुंतजर है,
उनकी तारीखें नजदीक आ रही हैं, इनका घेरा तंग हो रहा है, हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए अपने मुकदमात में ये सारा खेल रचा रहे हैं और लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं ये। सरदार हमीद न्यूज़ वन सर, एक तो कैबिनेट में आज कुछ आपकी आज़ादी के बाद एनपीएम के कुछ तफजात से लापता था, एक दूसरा सर इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि मांडवी वाला साहब जो डिप्टी चेयरमैन है उन्होंने ऐलान किया है कि चेयरमैन नैब को तलब करेंगे और उनको तलब करके उनका मुआवजा करेंगे, आप भी सेनेट में मौजूद हैं, क्या ऐसी कोई पॉलिसी है सेनेट की उनको बुलाकर उनका मुआवजा किया जाए? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं आप इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा क्विकली कि देखें, जब किसी के ज़ाती मसाइल होते हैं और उन ज़ाती मसाइल को जिस तरह के नवाज शरीफ, जिस तरह के आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी, ये तो नैब को मानते ही नहीं है, ये तो कहते हैं नैब को बंद कर दिया जाए। अब अगर उनके ये ज़ाती मसले हैं तो ये ख्याल 3 साल पहले क्यों नहीं आया, 2 साल पहले क्यों नहीं आया, 1 साल पहले क्यों नहीं आया? जब अगर आप पे कोई मुकदमा या आप पे कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो मेरा ख्याल है कि अखलाकी तौर पे भी इस उस शख्स को नहीं इसको लीड करना चाहिए। और जो सेनेट है, जाहिर है कि हमारी हुकूमत का एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है, उन्होंने शायद ये भी कहा है कि हुकूमत ही सेनेटर्स भी सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि हम एक ऐसे एजेंडे को, ये सलीम मांडीवाला साहब का एजेंडा नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का एजेंडा है, अपोजिशन की तरफ से है कि किस तरह से आप इस्तेमाल करो इसको। नेशनल असेंबली की मीटिंग में तो आप आते नहीं हैं, तो सेनेट को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, सेनेट बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होगी और न इस्तेमाल होना चाहिए, ये अपर हाउस है, इसका एक तकद्दस है और इसका एक स्टेचर है, और 1974 से लेकर अब तक की जितनी भी रूलिंग्स हैं उनकी चेयरमैन सेनेट ने उसको देख रहे हैं, और जो भी इस पर रिक्वजिशन उन्होंने किया है वो इजलास हो जाएगा, लेकिन ऐसी चीज को बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करेंगे। आपने मतलब जो अच्छे काम है उससे भी अप्रिशिएट करना चाहिए। आपकी तरफ से एक मिनट, आपकी तरफ से जो अच्छे काम है उसको अप्रिशिएट इसलिए कि अब नईम बुखारी साहब के आने के बाद से जो 15-15 और 20-20 लाख वाले पैकेज थे उनको उन्होंने घर भेज दिया, ये अच्छा एग्जाम है। अब उसके साथ ही जो आपके जो पीटीवी के जो पेंशनर जो पिछले 2-2.5-3 साल से जो मतलब वो बेचारे इंतजार में, उनके लिए क्या खुशखबरी है? दूसरी ये कि पीआईए में जबरी रिटायरमेंट जो सिलसिला शुरू किया गया है उसमें उनको ग्रेजुटी और ये चीजों ये मराज जो है उनको इनकार कर दिया दे रहे थे, और जो जबरी रिटायर होने से इनकार कर रहा है उसको वो इस्लामाबाद भेज रहे हैं, ये दूसरा। तीसरा ये छोटा सा कि जो लोड शेडिंग है ये गैस की और बिजली की, ये मतलब इस वक्त अरूज पे हो गई है, मतलब 4-4 घंटे 5-5 घंटे, तो ये आप देख रहे हैं पब्लिक तो मतलब परेशान तो हो रही है, तो इस पे कोई नहीं कैबिनेट ने उसमें वो किया। देखें, पहली तो जहां तक पीटीवी की बात है, हमेशा ये होता आया है कि जिस तरह हमने कहा था कि जो भी इदारे हैं उनको ऐसी नहज पे पहुंचा दिया गया है जहाँ पे के खिलाफ़ ज़ाब्ता भर्तियाँ इदारों को बिठा दिया गया। अब उसमें एक नया हमारा एक कोशिश है जिसमें कि हम समझते हैं कि इंशाल्लाह पीटीवी को हम बाकायदा उसी अजमतों पे ले जाएंगे जो कि वो माजी में था। इसमें मुख्तलिफ प्लान्स बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम ये समझते हैं कि पीटीवी एक बड़ा आपको काबिल फ़ख्र एक रिस्टोरेशन होगी पीटीवी की। दूसरी बात, आपने कहा कि पीआईए के जो वो हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि किसी को जबरी तौर पर रिटायर नहीं किया जा रहा, और जो ट्रांसफ़र्स का जो इशू है ये तो बहुत एक पुराना इशू है जिसमें कि आपको पता है कि जब जहाज़ हैं उसमें एयरपोर्ट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कराची है, इस तरह लाहौर है, हमारा जो इंजीनियरिंग विंग है वो कराची में ही है, हमारे जो क्या अपना क्रूज़ हैं वो भी इनको जो इस्लामाबाद से ऑपरेट करते हैं, ये कॉस्ट बचाने के लिए एक चीज़ें की जा रही हैं जिसमें कि यहाँ पे वो आते थे, यहाँ पे ठहरते थे, टाइम ज़ाया होता था, पैसा लगता था, तो ये कोई वो बात नहीं है। जहाँ तक के उसकी बात है तो मेरा ख्याल है कि जो जो गोल्डन हैंडशेक होगा उनको वो दिया जाएगा, जो भी उनकी जो कानूनी आउटस्टैंडिंग है वो उनको मिलेंगी, तो ये नहीं है। बाकी गैस और उसकी बात है, बिजली की बात है, देखिए बिजली का सेक्टर ज़ाहिर है कि उसमें बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन जो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो यही है कि इस वक्त तो हमारा जो क्राइसिस होता है वो यही है कि हमारे दो एक्सट्रीम मौसम होते हैं, शदीद गर्मी और शदीद सर्दी। अब जो सर्दियों में हमारी जो बिजली की
जो डिमांड होती है वो 5,500 मेगावाट से लेकर 8,000-1,000 मेगावाट तक होती है, और जब पीक सीज़न होता है तो उसमें 24,000 से लेकर 26,000 मेगावाट तक की होती है। इसमें जो गैस है, ज़ाहिर है हमारे जो ज़खायर हैं वो पहले भी तय बात हुई थी कि वो कम हो रहे हैं, और उसमें ये जो गैस के प्लांट्स हैं हमारे और जो गैस की जो हमारी जो सप्लाई है उसको एडजस्ट उस हो रही है, और प्रेशर का इशू है उसके लिए भी कुछ मैकेनिज्म बता रहे थे, आज भी बता रहे थे कैबिनेट में कि वो जो मैकेनिज्म है जिसमें कि ख़ास तौर पे वो इलाके जो कि एंड्स पे होते हैं उनके प्रेशर का बड़ा एक मसला होता है, तो उसको भी हल किया जा रहा है कि ये प्रेशर की सिचुएशन ना हो। देखें जहाँ तक जो आपके पहले दो इश्यूज थे वो तो आपको राइटिंग में दे दिए, आपको वो आप पढ़ लें, उसे पूरा मुफसिल जवाब है दोनों चीज़ों का, रहा इस्तीफों का। देखें पहली बात तो ये है कि आज पता नहीं जो भी ये मिलके बैठे हुए हैं कि किस तरह से इस डूबती कैंपेन को वो किस तरह से उठाएं। असल चीज़ ये है कि इस्तीफे तो आप दे सकते हैं, और जो ये कहते हैं, मैं यही कहता हूँ कि इस्तीफ़ा देना बड़ा मुश्किल है, आसान है, इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल है। तो जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं सिर्फ वही जानते हैं कि इलेक्शन जीतना और इलेक्शन करना कितना मुश्किल काम है। पहले तो ये इस उस पर आएंगे नहीं, इनके अंदर ऑलरेडी मुखालिफतें हैं और ये इस पर काफ़ी तकसीम है, क्योंकि एक अगर मौलाना फजलुर रहमान कहता है वो तो मेंबर है ही नहीं, तो उसके लिए तो कहना बड़ा आसान है कि जी अपना रिज़ाइन दें, लेकिन वो लोग जो कि इलेक्शन जिन्होंने लड़ा है और वो जीते हैं, तो वो मौलाना जैसे बंदे या मरियम नवाज़ जो कि खुद पार्लियामेंट में है ही नहीं, गैर मुंतखब किस्म के लोग हैं, उनकी डिमांड पर वो अगर इस्तीफे देंगे, मेरा नहीं ख्याल है कि ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। बाकी जी आजाद साहब जी, पहला सवाल आपका मुज़ाकरात का, देखें देखें पहली बात तो ये, इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक डेमोक्रेटिक सेटअप हो उसमें अपोजिशन के कुछ राइट्स होते हैं, और वो जमहूरी राइट्स ये नहीं है कि आप सिर्फ अपोजिशन हों तब आप इंजॉय करते हैं। अपोजिशन में अगर हम जितनी भी हमारी बैरून दुनिया में जहाँ पे के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और ख़ास तौर पे यूके जिसको के हम सब फॉलो करते हैं उनके जो पॉलिटिकल सिस्टम को वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी, उसमें यही होता है कि जो अपोजिशन होती है वो मुल्की मसाइल पे बहस करती है, वो हुकूमत की कारकर्दगी पे क्रिटिसाइज करती है, वो पॉलिसी मेकिंग में वो कवानीन जो के मफाद आमा में है उसके लिए कोऑपरेट करती है, उसमें कंट्रीब्यूट करती है। वो पार्लियामेंटेरियंस जिन पे कि ज़रा सा भी कोई करप्शन का या किसका अगर एलिगेशन भी लगे तो वो पार्लियामेंट में नहीं आते, ना आ सकते हैं।
जहाँ के, जबकि हमने यहाँ देखा है कि यहाँ पे पहले एक साल दो तो प्रोडक्शन ऑर्डर्स में प्रोटेस्ट होते रहे, वॉकआउट्स होते रहे, असेंबली को चलने नहीं दिया गया, क्योंकि प्रेशर डालना यही था, मकसूद था कि इनके लीडर्स को रिलीफ दी जाए। इनमें नैब के कानून को आप मुंसलिक किया फैटफ के कानून से, और उसमें पूरी जो नैब के कानून था उसमें तब्दीली, 38 में से 34 शिकों की तब्दीली चाहिए इन्होंने। जाहिर है वो हम नहीं करेंगे ना, हमने किया। दूसरी बात, मज़ाकरात भी होते हैं इसमें कोई शक नहीं है, हमने मीटिंग बुलाई। देखे जो हुकूमत होती है उसकी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि सबसे पहला इस वक्त मुल्क को दरपेश ख़तरा है वो है कोरोना। हमने पार्लियामेंट की कमेटी बुलाई स्पीकर साहब की सदारत में, उसमें इन्होंने बिल्कुल मुकम्मल बायकॉट किया। ये तो कोई सियासी मसला तो था नहीं ना होना चाहिए कोरोना। दूसरी बात ये है, आखिरी बात इस सिलसिले में, कि देखें आप हुकूमत को ब्लैकमेल करके मज़ाकरात की बात नहीं कर सकते हैं। हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हालात नॉर्मल हो जाएं फिर इनसे हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन वो भी जो मुल्क के मसाइल हैं, करप्शन पे अगर ये हमारे साथ बात करना चाहते हैं कि इनको एनआरओ दिया जाए, तो जाहिर है वो हमने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई दफ़ा कह चुके हैं, वो हमारी स्टेटेड पोजीशन है, इससे हम इधर उधर नहीं होंगे। लेकिन अपोजिशन पहले अपोजिशन बन के तो दिखाए, एक जिम्मेदार अपोजिशन बन के तो दिखाए। ये जो कर रहे हैं वो, कोई और मुल्क होता उनको ईरान को जूते पड़ते, यहां भी यही होना चाहिए इन पे। जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, कोई कहता है कि जी कोरोना, जब आप लोग आएंगे तो कोरोना भाग जाएगा, यानी अहमकाना बातें कर रहे हैं, माजरा, इस किस्म की चीजें ये कर रहे हैं, तो माजरा जी। देखें ये आपको याद हो कि जब धरना था हमारा उस वक्त भी ये इकट्ठे थे सारे, और यही चीज कर रहे थे कि जत्थों से जो है तो नहीं वो की जा सकती। आज भी ये इकट्ठे हैं दूसरी तरफ, और ये वही बातें कर रहे हैं जिसका कि ये पहले टोटली इनकार करते थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनकी जो ये गैर जमहूरी, और फिर ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो कि ये कर रहे हैं, ये सारे रिजेक्टेड लोग हैं, करप्ट लोग हैं। ये जितने भी खड़े हो के इनकी जो कोई बता दें, इनका जो लीडर है जिसपे कि कोई ईमानदारी का कोई उनको सर्टिफिकेट देने को तैयार हो, आवाम देने को तैयार हो, सबको पता है कि ये क्या करते रहे हैं। आज वो जो है तो चैंपियन बन गए हैं जी। पहले देखें, पहली बात तो ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, जाहिर है कि अदालतों का फैसला हमारे लिए मोहतरम है, और हम उन पर ज़रूर अमल दरामद करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो कैबिनेट कमेटीज़ हैं वो सारी एडवाइजर्स या ऐसे पीएम्स उसको हेड कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कैबिनेट कमेटी का एलएलजी को असद उमर हेड करते हैं, जो कि एक इलेक्टेड एमएनए है। इस तरह कई और हैं, जिसमें नहीं होगा तो ज़ाहिर है कि हम उसका कोई तरीक़ेकार निकालेंगे, अदालत का फैसला पसद एहतराम, और हम इस अदालत के फैसले को देखते हुए अपनी एडजस्टमेंट्स करेंगे। दूसरी बात, शिवजी साहब सर, सही होता है एक मिनट, यह सवाल ही कुछ और, शिवजी साहब आप नाम
हाँ सख्त इकदामात देखें, सख्त इकदामात से मुराद ये है कि जी देखें कोई भी हुकूमत उसकी एक आइनी जिम्मेदारी है कि वो आवाम की सेहत और जान और माल की हिफाजत करे। इस सिलसिले में जाहिर है कि हम नहीं चाहेंगे कि हम कोई ऐसे बंद कर दें चीज़ों को। हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है, वो एक्टिविटीज़ जिसमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है वो जारी रहेंगी, वो एक्टिविटीज़ जिसमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं जनरेट होती वो उस पर हम ज़्यादा सख्ती करेंगे, क्योंकि मकसद ये है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि हमारी इकॉनमी बंद हो, लोगों को रोज़गार न मिले और लोग भूख से मर जाएं। तो ये एक स्ट्रेटजी है। वहाँ कामरान आखिरी सवाल, बस सब सवाल तुम्हारे लिए सुनते हैं। आज के एजेंडे में दो चीजें थी, एक फ्रांस से ताल्लुकात पर नजरसानी के हवाले से गौर होना था, और तीसरे नंबर पे एजेंडा पे जो मेरे पास काफी भी आई है उसमें था कि फ्रांस से जामुन की वैक्सीन के हवाले से भी गौर किया जाएगा। तो ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं सर, एक तरफ आप ताल्लुकात मुनक़ता करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं। देखिए देखिए मेरी बात सुने, एक तो ये होगा कि हमें चीज़ों को बड़े एक एक होलिस्टिक तरीके से देखना होगा। जो इकदामात और जो इनिशिएटिव्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिए हैं, इसी सारे सुदूर को खत लिख के, साथी तौर पे खत लिख के, जो इस्लामोफोबिया और ये जो अभी जिस रेजोल्यूशंस का मैंने आपको जिक्र किया कि इसको अगर हम आलमी सतह पे मनवाने में कामयाब हो गए, जो कि एक पहली उसमें तो हम कामयाब हो गए हैं जिसमें कि हमें 90 से ज़्यादा वोट मिले, मेजॉरिटी, कुछ यूरोपियन मुल्कों ने एब्सटेन किया लेकिन हम वो कामयाब हुए। हम प्राइम मिनिस्टर साहब का जो नुक्ता नज़र है वो यही है कि दुनिया को ये एहसास दिलाना है कि मुसलमान मुल्क बिलखसूस पाकिस्तानी आवाम किस जज्बे से और किस अकीदत से अपनी सबसे जो हमारी जो मजहबी शख्सियत है, जो कि हम समझते हैं कि पूरी दुनिया का के एक अजीम तरीन लीडर भी थे, मजहबी रहनुमा भी थे और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो ऐसा तरीक़ाकार वज़ा किया जाए, ऐसा माहौल बनाया जाए आलमी सतह पे। आप देखें यहूदियों ने नहीं किया कि उन्होंने अपना जो वो क्या था होलोकॉस्ट था, उसको जो है तो उन्होंने एक पूरी मुनज़्ज़म तरीके से किया कि आज उसको एक वो बन गया। हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? ये पहली दफ़ा है कि एक हुकूमत ने, हुकूमत पाकिस्तान 72 साल की तारीख में, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको एक ऐसे तरीके से हैंडल किया और कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये किसी की जरूरत ही नहीं होगी। फिर इसको आपको आलमी सतह पे उनका कल्चर मुख्तलिफ है, उनको नहीं पता कि हमारे मुसलमानों को कितनी तकलीफ होती है जब कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी करता है, कोई भी उनका नाम अदब से नहीं लेता, तो वो मुसलमानों की करीब तरीन हस्ती हैं। तो उस पर एक ऐसी हिकमत अलमीली बनाई जा रही है जिसको कि इस चीज़ को बजाय वाक़ियतन इससे किया, फिर कल कोई और करेगा उससे किया, फिर उससे किया। इसका पूरा तफसीली जवाब मैंने अपने जो हमारी प्रेस रिलीज है कैबिनेट की प्रोसीडिंग्स की एजेंडा वाइज वो दी है, आपको पूरी मुकम्मल तफसील उसमें मिल जाएगी। यार